हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि डूम्सडे क्लॉक किस तरह की घड़ी होती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में डूम्सडे क्लॉक क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसमें रात के 12 बजने का मतलब होगा कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहला समय 1947 में सेट किया गया था। यह समय रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले अर्थात रात को 11:53 पर सेट किया गया था। वर्ष 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो सकता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास हो जाएंगे। इसी विनाशक विकास ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना वे एक घड़ी बनाकर धरती के समक्ष मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करें और दुनिया को इस बारे में आगाह करें कि इंसानों के कौन से कार्य पृथ्वी के खात्मे का कारण बन सकते हैं। इस उद्देश्य से 15 वैज्ञानिकों का एक संगठन बनाया गया जिसमें वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी शामिल थे। यह संगठन जिसका नाम द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट रखा गया। डूम्सडे क्लॉक को आगे पीछे करने का काम वैज्ञानिकों का संगठन ही करता है। डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावनाओं को बताती है। इसमें 12 बजने का मतलब होता है कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहली बार समय को 1947 में रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया गया था। संगठन द बुलेट ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ऐसी मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिनके कारण पृथ्वी ग्रह और मानवता को खतरा पैदा होता हो। जब किसी परमाणु हमले या किसी और कारण से मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है तो यह संगठन यह डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को 12 बजे के करीब कर देते हैं और जब खतरा टल जाता है या खतरे को कम करने के उपाय कर दिए जाते हैं तो यह क्लॉक के सुइयों को दोबारा 12 बजने से कुछ मिनट दूर सेट कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से भारी विनाश हुआ था तो 2 साल बाद अर्थात 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक को आधी रात यानी 12 बजे से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर सेट कर दिया गया था। इस घड़ी में 12 बजने का अर्थ होगा कि अब पृथ्वी पर मानव निर्मित प्रलय का समय आ गया है। डूम्सडे क्लॉक में अब तक 22 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर परमाणु युद्ध की आशंका के मद्देनजर प्रतीकात्मक घड़ी के समय को 2 मिनट आगे खिसका दिया गया था, अर्थात इसे 12 बजने के और पास कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब मानवता के विनाश का समय और करीब आना है। वर्ष 1947 के बाद डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 1949 में आधी रात से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर सेट की गई थी, क्योंकि उस वर्ष सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। वर्ष 1953 में जब अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया तो प्रलय का वक्त सिर्फ 2 मिनट दूर माना गया। ईयर 1969 में जब परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो इस घड़ी की सुइयां पीछे हटाकर आधी रात से 10 मिनट की दूरी पर कर दी गई थी। तो दोस्तों, डूम्सडे क्लॉक में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं वह जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है कि परमाणु युद्ध या इसकी संभावना हो तब, जलवायु परिवर्तन, जैव सुरक्षा, जैव आतंकवाद, साइबर अपराध, हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई खतरे, उच्च पदस्थ लोगों की भड़काऊ बयानबाजी, यह सभी कारण जिम्मेदार होते हैं। यह डूम्सडे क्लॉक मानव की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है वह आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक और मानव समाज से इस समझदारी की उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधियों को अंजाम ना दे जो कि संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बन जाए और डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 12 बजने को मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक और सही सलामत से चले और भविष्य में शांति बनी रहे। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि डूम्सडे क्लॉक क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मन में कोई भी प्रश्न या कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न के जवाब आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी यह माहिती शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस एनजी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।